हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की औरंगाबाद की जो नाइट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो भी स्पेशली रमजान में। वहाँ की होटलें, वहाँ का खाना, वहाँ की रौनकें, तो आज इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद। तो बने रहिए हमारे साथ और मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम आज जा रहे हैं औरंगाबाद। अरे मैं सुन चुका हूँ यार, औरंगाबाद जा रहे हैं क्योंकि हमको करना है वहाँ पर चलते बहुत सारी शॉपिंग, और उसके साथ साथ चलते शहरी भी आज वही करना है। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हाँ, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, ये शॉपिंग के लिए जा रहा है, और ये गाड़ी चलाने के लिए। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ये शख्स कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा कंटेंट है गाइस। इसके बिना कंटेंट नहीं है मेरे पास भाई। वो वीडियो देखे थे तुमने शार्क टैंक का, इन दोनों के अलावा मेरे पास कंटेंट नहीं है। तो आप थोड़ा एडजस्ट करके ले लीजिए, अगर वो ना कहे तो आप माइंड मत कीजिए। तो अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं, और वहाँ जाकर हम देखेंगे क्या, कब तक हम पहुँचते हैं और कैसे होता है। बीच में हमें निशा की नमाज भी पढ़नी है, तो हमारे साथ बने रही। सफर जारी है गाइस, बहुत ही शानदार सफर चालू है यहाँ पर। रात का सफर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ईशा की नमाज, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ईशा की नमाज, तो आइए। अभी नमाज हो गई है खत्म, और अब हम यहाँ पर पियेंगे चाय भाई के साथ। यहाँ पे हम हमेशा इसी जगह पर चाय पीते हैं। बहुत ही शानदार चाय है गाइस, आपको भी ट्राई करना चाहिए। चाय पानी है, नमाज सब कुछ हो गया है खत्म, और अब हम जा रहे हैं औरंगाबाद। मंदिर बहुत ज्यादा ही करीब है, कुछ ही पलों में हम और लोग औरंगाबाद में होंगे, और फिर वहाँ के स्ट्रीट फूड समेत हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ी सी शॉपिंग करने की है। देखो कैसे पसर गया है गाइस, सॉरी कैसे सो गया है गाइस, और ये बेचारा कड़ी मेहनत कर रहा है और मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हमारी पहली जो मंजिल है वो है बेगम जान रेस्टोरेंट, सॉरी बेगम्स रेस्टोरेंट, जो कि एड्रेस हमें साहब साहब ने दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे चिकन पॉपकॉर्न मिलते हैं, वो ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कैसे टेस्ट। मेरी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर अपन हरीश खाएंगे चिकन पॉपकॉर्न, हम कहीं और खाएंगे। तो ये अपना रेस्टोरेंट है, ट्राई करेंगे चिकन पॉपकॉर्न। मैंने आपको गलती से कह दिया था, ये बेगम रेस्टोरेंट है औरंगाबाद के कटकट गेट पर वाकई रेस्टोरेंट। अभी हमने ऑर्डर किया है, अभी ऑर्डर आए वाले आपको बताएंगे उसका टेस्ट कैसा रहता है और कैसा लगेगा। है हमारा हरीश, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ, इसका रिव्यू देता हूँ कैसा लगता है। अच्छा है, थोड़ा तीखा है, बहुत अच्छा है। इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि जो इसकी प्लेटर की रहती है भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, पर मैं थोड़ा कम तेज़ खाता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा तेज है। तेज में काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, उमदा है। तो मैं ये फिनिश करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो
तो हमें एक प्लेट यहाँ पर पड़ी है 80 रुपए की और टोटल हमारा बिल हुआ है 180 रुपए। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे रेस्टोरेंट में, दूसरी जगह पर जहाँ पर हम लोग खाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। अब हम लोग आ चुके हैं हमारी अगली मंजिल पर। इस होटल का नाम है इस्तांबुल चीज़ चिकन। तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। सीटिंग एरिया भी काफी अच्छा है, शानदार सीटिंग एरिया है यहाँ का। आपको ये आ गया अपना चिकन पॉपकॉर्न, अब इसको ट्राई करेंगे इसका टेस्ट कैसा है। और इसको मसाले बहुत यूनिक है और योगेश के साथ तो ज्यादा ही अच्छा है, अच्छा टेस्ट दे रहा है, एकदम जबरदस्त टेस्ट दे रहा है। आप स्नैक के तौर पे भी ले सकते हो, अच्छी अच्छा लग रहा है। हाँ और कैसा लग रहा? पहली बार खा रहा हूँ। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? तो ये थी भाई की ओवर एक्टिंग। और आगे और आगे हम लोग देखेंगे उनकी असली रिव्यू जो कैमरा बंद होने के बाद मिलेगा, वो रिव्यू देखेंगे। तो ये हमें पड़ा है 100 रुपए में एक प्लेट। अब देखेंगे आगे क्या बोलो, क्या खाने का बोलो? अभी खाना है टिकिया पाव। तो अभी हम लोग जाएंगे टिकिया पाव खाने के लिए चंपा चौक पर, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत मसालों से बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए। हम जा रहे हैं चंपा चौक, यार चंपा चौक पर खाएंगे टिकिया पाव, क्योंकि वो औरंगाबाद की तरफ से बहुत ज़्यादा फेमस है, औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है टिकिया पाव को। मैं कब हो गया ये? हम जा रहे हैं चंपा चौक खाने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हमारे टिकिया पाव देख सकते हैं आप इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसे खिलाम। ठीक है सीख कबाब, यहाँ के एक फेमस एक और फेमस डिश है सीख कबाब, जो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो भाई इसका टेस्ट पर सीख कबाब आ गया हमारे पास, और इसका टेस्ट मुझे काफी अच्छा लगा। ये दो चटनियों के साथ इन्होंने हमें टेस्ट किया है, ये कद्दू चटनी और एक दही की चटनी है, अपने दुकान के एड्रेस खुद बताएंगे हमारे लिए। तवक्कल कबाब सेंटर चंपा शॉप परवेश कुरैशी के सामने कबाब की दुकान है, 30 रुपये में प्लेट मिलती है, दो कबाब दो पाव है। बाकी बहुत बढ़िया टेस्ट है कबाब का, आप प्लीज ज़रूर विजिट करें यहाँ पे। आप प्लीज वहाँ पर विजिट करें, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर विजिट करें और उनके कबाब को टेस्ट करें। अब हम लोग जाएंगे बुड्डी लैन, द फेमस लैन ऑफ औरंगाबाद, द बुड्डी लैन, वहाँ पर जाकर वहाँ के फूड को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग खाने जा रहे हैं सागर होटल पर, सागर होटल के बाजू में मुंबई का फेमस फालूदा। आप लोग गर्दी देख सकते हैं यहाँ पर, कितनी ज़्यादा गर्दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये फालूदा। आप
कि पूरी गर्दी सिर्फ एक ही दुकान पे, ये बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा। इतना ज्यादा गर्दी के बावजूद हमें हमारा फालूदा मिल गया और हमें इसे ट्राई करेंगे। बॉम्बे फालूदा को अहम काफी हो गया है, हम ट्राई करेंगे। तो अभी फालूदा हमने पी लिया है, लेकिन एक बात तो है, फालूदे का बहुत ही ज्यादा क्रेज है औरंगाबाद में, बहुत ज्यादा गर्दी हो रही थी और मार्केट भी अब क्लोज होने हो ही रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर, कपड़े लेना है परवेश को। तो अभी हम स्विफ्ट कलेक्शन पे जाएंगे, वहां से कपड़े लेंगे। लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा गाइस, अफरा तफरी में घूम रहे हैं बेचारे। वो बताओ भाई, बहुत खड़े हो, मुंह बताओ। तो आधी शॉपिंग इसी खत्म हो गई है, आधी अभी बाकी है और मेरी एनर्जी यहाँ पर जवाब दे रही है, लेकिन इसका कुछ अटपने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये मौलाना भी उसका बहुत ही ज्यादा साथ दे रहा है यहाँ पर शॉपिंग में। देखते हैं कि इसकी शॉपिंग कब खत्म। बार की तरह मेरे ही जैसा ड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर इसे मिल नहीं रहा है। तो गाइस, ये सिटी चौक का एरिया है जो कि अब पूरा सन्नाटेदार, पूरा खाली हो चुका है। पूरे 1:30 बजे हमारी यहाँ पर शॉपिंग ख़त्म हुई है। इस इंसान को आखिरी तक बड़ी मुश्किल से राजी करना पड़ा एक चीज़ लेने के लिए। बहुत ही शानदार शॉपिंग हो चुकी है अभी के लिए। हम कुछ अभी हम लोग घूम रहे हैं औरंगाबाद की इन सड़कों पर, जहां दिन में तो बहुत ही ज्यादा गर्दी होती है और रात में भी मतलब थोड़ी बहुत गर्दी है यहां पर अभी भी। देखिए आप, लोग अभी भी घूम रहे हैं यहां पर। हम अब अच्छी सी होटल ढूंढ रहे हैं सैरी करने के लिए, तो बहुत ही जल्दी हमें कोई अच्छी सी होटल मिल जाएंगी तो वहाँ पर हम सैरी करेंगे। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर सैरी करेंगे। अभी बज रहे हैं ठीक 3:30 और हम यहाँ पर सैरी करने के लिए पहुँचे हैं। तो गाइस, स्टार्टर में हमने यहाँ पर पापड़ और चटनी मंगाए हैं, अभी मेन ऑर्डर अभी बाकी है। तो गाइस, मेन कोर्स में हमारे पास यहाँ पर मंदी है जो कि चिकन तंदूरी हफ्सा, उसके साथ ये ग्रेवी है और अभी एक और बस। तो ये अपना आज का सहरी है। सहरी है, बात देखो गाइस कैसे डकार ले रहे हैं ये भूखे भेड़िए। अभी सहरी हो चुकी है खत्म, हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर की ओर। अभी टाइम हो रहा है 4:00 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं हमारे घर की ओर। तो ठीक है गाइस, आगे रास्ते में चाय मिली तो चाय पीएंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, tata, bye bye, love you. कैसी सर्दी बजती है।